हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रीना दरवाजा खोलो, रीना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, रीना दरवाजा खोलो। रीना दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। कैलाश तुम चले जाओ प्लीज। रीना क्या हो गया है, तुम मुझसे जाने के लिए क्यों कह रही हो? चले जाओ, तुम्हारा यहाँ फिर कभी मत आना। मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा रीना। बिनाय कभी भी आते होंगे, उसकी ऐसी के तैसी। दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो तो सही। रीना क्या बात है, फिर कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो? मुझे मालूम था फिर कुछ किया है उसने। वो मैं सीढ़ियों से गिर गई। सब जानता हूं तुम कौन सी सीढ़ियों से गिरी हो, कहां है वो? आज तो फैसला होकर रहेगा, बुलाओ उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूं। वो घर पे नहीं है। कैलाश तुम यहां क्या कर रहे हो? कैलाश प्लीज कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। बखेड़ा मत खड़ा करना मतलब तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है क्या? हाँ कैलाश तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम प्लीज। मेरी कसम? बात यहां तक पहुंच गई है? हाँ मुझे शक तो तुम पर पहले से ही था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। नहीं नहीं विवेक, तू यहां से दफा हो जा बस। पर सर मेरा क्या कसूर है सर? तेरे पास आते ही मेरा जी घबराने लगता है, मैं समझ जाता हूँ कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। मैं इतना बुरा हूँ सर? बुरा? अरे तेरा चेहरा देखते ही मेरा खाना खराब हो जाता है। क्या हुआ, फिर से दोस्ती की बातें? सर आप मुझे कहीं दूर भेज दीजिए सर, रात भर एक टांग पे खड़ा रहने के लिए बोलोगे तो भी रहूंगा सर, लेकिन इसके साथ काम नहीं करूंगा। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तो फिर ऐसे ही रो रहा है बिना बात के? रो रहे हैं? मैंने तो एक भी आंसू नहीं देखा है। है आंसू है सर, बहुत सारे आंसू हैं, दिल में है। फ्रेडरिक्स क्या हुआ बताओ। सर इसकी वजह से मैं शर्त हार गया सर। शर्त? तुम्हें मालूम है शर्त लगाना गुनाह है फ्रेडरिक्स? तुम लेकिन सर आपने चुप, तुम एक सीआईडी ऑफिसर होकर तुम्हें सब शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट कुछ गड़बड़ क्या हुआ था विवेक, तुम बताओ क्या हुआ? सर दया सर ने मुझसे कहा कि तुम फ्रेडी सर के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनकी वाइफ को उन्होंने बर्थडे पर क्या दिया था। सर तो तुमने पूछा सर को? हाँ सर मैंने बस इतना ही पूछा सर। अरे लेकिन तू आया ही क्यों मेरे पास? सर इसने पूछा और मुझे मुंह खोलना पड़ा सर। तो मुंह खोलने में कौन सी बड़ी बात है, दिन में 50 बार तो मुंह खोलते हो। सर वो मुंह खोलना अलग है सर, यहाँ तो मैं बर्बाद हो गया। सर वो फ्रेडी सर ने कह दिया कि उन्होंने उनकी वाइफ को बर्थडे पर बहुत महंगी चॉकलेट्स दी थी। सर मेरी शर्त लगी थी सर, कम से कम एक घंटे तक मुझे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है सर, लेकिन इस विवेक की वजह से मैं शर्त हार गया सर। विवेक तुम हमेशा बेचारे फ्रेडरिक्स के कान में खिला घुसाते हो। सर वो दया सर ने कहा था कि। दया सर ने आपने कुछ कहा सर? नहीं कुछ नहीं। फ्रेडरिक्स बताओ किसके साथ शर्त लगाई थी तुमने? सर वो दया सर से। दया सर के साथ? दया ये क्या कह रहा है? सर वो कल शाम से मेरे सर में बहुत दर्द है सर, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ कैलाश क्या हुआ? अरे यार कैलाश मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे इसमें मत लपेटो यार। ठीक है ये आखिरी बार है, कहाँ पे?
ओके ओके ठीक है। हेलो 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 रीना सुनो, तुम जल्दी से आ जाओ अभी, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से आ जाओ अभी। कि तुम क्या कह रहे हो कैलाश? बिनॉय घर पे है और अगर उसे पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। तुम समझने की कोशिश करो रीना, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, प्लीज आ जाओ, प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं तुम्हें आना ही होगा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे घर के बाहर जो सुनसान बिल्डिंग है मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बिनॉय को पता भी नहीं चलेगा, तुम फौरन आ जाओ। लेकिन कैलाश, रीना तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। नहीं मैं आती हूँ। कैलाश, ये तुमने मुझे कहाँ बुला लिया? अगर बिनॉय को पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। रीना घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है कैलाश। रिलैक्स। ये कौन है? अरे घबराओ मत, ये मेरा दोस्त है दया, ये सीआईडी ऑफिसर है। सीआईडी? क्या हुआ कैलाश, तुमने इसे अचानक क्यों बुलाया? अरे और ये कोई मिलने की जगह है? दया वो ये कौन है? दया ये मेरी दोस्त है रीना। दया इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो जरा। किसने किया इसे? इसके पति बिनॉय ने। इसके पति? और तुम? ओ, मतलब ये कोई एफेयर का चक्कर है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं नहीं दया, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं बस। सच सच बताओ क्या हुआ है? हा? जी मेरे पति बिनॉय ने। तुम्हारे पति इस वक्त कहाँ है? वो घर पे है, उन्हें मेरा और कैलाश का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मिलती क्यों उससे? दया तुमसे कहा ना मैंने, हम सिर्फ दोस्त हैं बस। कैलाश मुझे ये सब पहले पता होता ना तो मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा। अरे दया मर गया। ये तो बिनॉय है। बिनॉय उठो ना, उठो ना बिनॉय। ये क्या कर दिया तुमने बिनॉय, उठो ना। दया यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी नहीं है तो फिर उसे किसी गिरा किसने? झगड़े की आवाजें तो आ रही थी, तुमने सुना था ना? ऑफ कोर्स मैंने सुना, आवाज तो आ रही थी। तो फिर गए का? Oh, my God.
साहब को बताना पड़ेगा। सामने से आदमी का खून हो गया और मेरे हाथ से भाग गया। हेलो सर। दया, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमने पूरी रात उस आदमी को ढूंढने में निकाल दी, फिर भी उसका अता पता नहीं चल रहा। तुम्हें पूरा यकीन है वो ऊपर ही था? बिल्कुल सर, विनोय को किसी के साथ झगड़ते हुए मैंने खुद सुना है सर। मैंने क्या, बल्कि कैलाश और रीना ने भी सुना है सर। आप चाहे तो पूछ सकते हैं सर। हाँ, कुछ नहीं मिला सर। इस बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा है सर, लेकिन कोई भी नहीं है। हाँ सर, फ्रेडी सर सही कह रहे हैं, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने कहा वो सही नहीं कह रहा? नहीं सर। तो तुम्हें सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? सर इनकी बात कोई मानता नहीं है सर, मैंने इनकी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश की। थैंक्स लावण्या, यहाँ पे तो सब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि फ्रेडी एक ऐसा बंदर है जो काला है, जिसकी पूंछ नहीं है। बाकी सब गोरे है और 10-10 फीट की पूंछ लेके घूमते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक, तुम्हारी भी पूंछ 10 फीट की है। कोई भी मेजर तिरला और नापो इसकी पूंछ। सॉरी सर। दया, ये लोगों की तुमने बातें सुनी, कौन हो सकते हो? ये आवाजें ऊपर से ही आ रही थी। हाँ सर। और तुम उसी वक्त दौड़कर ऊपर चले गए? हाँ सर, ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा। दया मालूम है तुमने मुझे पहले भी कहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो गए तो गए कहाँ? सर उस वक्त यहाँ अंधेरा था, शायद वो लोग भागते हुए हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है सर, पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या मतलब? क्योंकि सर अंधेरा हो या उजाला, दया सर की आंखों से कोई बच नहीं सकता। हाँ सर, आदमी तो छोड़ो, एक मक्खी भी दया सर के नाक के नीचे से निकल कर नहीं जा सकती है। गॉड से का बस भी करो, क्यों उसके लिए अपने आंसू बर्बाद कर रही हो? जो के कैलाश वो जैसे भी थे मेरे पति थे, ऐसी दर्दनाक मौत हुई है। तो ऐसे कह रही थी तुम मुझसे प्यार करती थी? हाँ करती थी। What? फिर मैं? रीना मुझसे तुम? क्या हो रहा है? ये क्या फुदूर-फुदूर हो रही है एक दूसरे के कानों में? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आप शायद नहीं जानते इनके पति ने इनको। कौन है ये दे? सर ये इनके। दे एक सेकंड, मैं बताता हूँ। सर मैं... दो मिनट चुप रहिए। कौन है ये? सर ये इनके दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त है और ये शादीशुदा है, इसका मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम कैसे फंस गए इन दोनों के चक्कर में? हाँ सर, कैलाश ने मुझे फोन किया था, मैं इसे पहले से जानता हूँ सर। हाँ सर, दया और मैं हम लोग हैं। आप उठे हो जाके वहां खड़े रहिए, जाइए। रीना बताओ ये क्या चक्कर है? दया की आंखों के सामने ही तुम्हारे पति की लाश आकर कैसे गिरी? जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम मां मिलने वाले थे। ये सच कह रही है? शायद। तुमने तुमने रीना को बताया था पहले कि हम लोग वहां बिल्डिंग के पास मिलने वाले हैं? नहीं नहीं दया, मैं वहां पहुंचने के बाद मैंने रीना को फोन किया था। तुम वहां पे खड़े थे ना दया का इंतजार करते? जी जी सर। तो तुमने कोई आवाज नहीं सुनी छत के ऊपर से? अगर मैंने आवाज सुनी होती तो दया के आते ही मैं उसे बता देता ना। तो इसका मतलब है तुम्हें बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि ऊपर कोई है? नहीं नहीं सर। रीना, कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं उड़ाया अपने पति को? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर बहुत ही घटिया आदमी था वो, इसकी तरफ ध्यान से देखिए तब आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर देखिए सर, इसके गालों पर निशान देखिए। प्लीज कैलाश। रीना वॉट? बहुत दर्द हो रहा है ना दिल में? है? होता है, ऐसे होता है, प्यार में सब कुछ होता है, खून भी होता है, समझे? दया को विटनेस बना दिया, उसके सामने इसके पति की लाश गिरा दी, क्यों? अरे सर दया मेरा दोस्त है, मैं इसे क्यों बताऊंगा सर? अच्छा ये बिनॉय को छत पे कौन लेके गया था? सर मेरे पति के खूनी को ढूंढिए। वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया कैलाश। पता नहीं सर, कह नहीं सकते। मतलब कर सकता है? मैंने इसको कितनी बार समझाया, मेरे पीछे मत आओ, पर ये मानता नहीं था।
अच्छा कभी कैलाश ने तुमसे बात की कि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा? प्लीज सर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो तो देख रहा है वो। अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है सर। सर, इन लोगों ने तुम्हें क्यों बुलाया? पता नहीं सर। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों मिले होंगे बिनोय के खून में? सर, ये सब प्यार व्यार का चक्कर है। वही तो, इस चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है। भैया तुम कह रहे थे कि छत पे दो तीन लोगों की आवाजें आ रही। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे सामने गिरा ये आदमी। गिरा या फेंक दिया गया? यही समझ लीजिए, फेंक दिया गया। मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई नहीं मिला। शायद ऊपर कोई होगा ही नहीं। मेरे कान नहीं बज रहे थे, मैंने दो लोगों को बोलते हुए सुना था। आपस में झगड़ा हुआ और ये गिरा ऊपर से। देखो भाई, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो मेरे, अच्छे दोस्त। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बीच बीच में कभी कभी अपने कान चेक करवा लेने चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं कुछ बोलूंगा तो आपने इस आदमी का हाथ चेक किया, इसके नाखून चेक किए? नहीं ना। लेक्चर देने चले मुझे। क्यों, क्या मिलने वाला था इसके हाथों में? ऊपर से नीचे गिरते वक्त इसने उन लोगों के कपड़े वपड़े पकड़े होंगे, हाँ, या फिर हाथ पैर बाल कुछ तो पकड़े होंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो दया कि इसके हाथ के नाखूनों में कपड़े के फाइबर या इंसान की खाल या खून होना चाहिए? हाँ। आओ मेरे साथ आओ, खुद ही देख लो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आओ देखो। ये देखिए इसकी कमर पर निशान। बाएं तरफ है। जी हाँ, ऐसे पिसाब यह आदमी सर के बल गिरा है। ये देखिए, इसके सर का दाएं तरफ का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी है और इसका दाहिना कंधा भी पूरी तरह से टूट गया है। दाहिने तरफ? तो फिर ये पेट के बाएं तरफ निशान कहां से आया? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निशान कैसे हैं, कहां से आए। शायद इसने टाइट पैंट पहनी होगी, इसीलिए ये निशान आए होंगे। अरे फ्रेडी, निशान कमर के सिर्फ आधे हिस्से पे है। हो सकता है इसने आधी पैंट पहनी होगी। क्यों फ्रेडी? आधी पैंट। ये आदमी गिरा है दाईं तरफ और ये निशान है बाईं तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से धक्का देने से पहले इसकी पिटाई विटाई की गई हो? अब आए तुम रास्ते पर। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निशान इसके मरने से कितनी देर पहले का है। आप पता लगा सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, इससे तो हमें पता चल सकता है कि ये आदमी जब गिर रहा था तब मरा हुआ था या नहीं। मगर सर वो आवाजें। हाँ दया, उन आवाजों का कुछ करते हैं बाद में। पहले इस बिनोय की प्रोफाइल बनवाओ, पता करो इसके दुश्मनों के बारे में और उनकी लिस्ट बनवाओ। ओ मोटा भाई, पार बंद हो चुका है। तूने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मुझे मोटा भाई बोला। अबे पिया हुआ है क्या? बार बंद हो चुका है, सुनाई नहीं देता है। देख तमीज से बात कर, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। एक मिनट, तुझे पहले कहीं देखा है? अब याद नहीं आ रहा है कहां पर देखा है। जरूर देखा होगा, अखबार में फोटो छपती रहती हर रोज। हाँ अखबार में ही देखा है। हाँ, फोटो छपी थी तेरी, शराब पीकर सड़क पे पड़ा हुआ था एक साल पहले, और नीचे लिखा हुआ था एक सीआईडी ऑफिसर शराब। अरे आप तो सीआईडी ऑफिसर है सर, आइए बैठिए। क्या लेंगे आप? जवाब लेंगे। ये जवाब चाहिए इन्हें, तुम्हारे बॉस बिनॉय का इतिहास चाहिए हमें। क्यों सर? क्योंकि वो मर चुके हैं। क्या? उनको किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे दिया था। कौन है वो? यही पता लगाने हम यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? लड़ाई नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तो बहुत शरीफ इंसान थे। सर मुझे थोड़ा काम है, मैं जाऊँ? अभी क्या काम है, बात तो बंद हो चुका है। सर आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, बस उसी की तैयारी करनी है। वो
मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। बार में क्या होता है आपको कुछ भी मालूम नहीं? नहीं। बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा पति करता क्या है। I'm sorry, मेरा मतलब है पति करता क्या था। वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे और अगर उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी पूछो तो बहुत नाराज हो जाते थे। हाँ, मगर बार के बारे में कुछ तो बताया होगा बिनय ने। कभी ना कभी तो पति के मुझसे कुछ ना कुछ तो निकल जाता ही है। एक दिन मैं उनके बार गई थी, बहुत नाराज हुए, मुझे तुरंत वहां से भगा दिया। ऐसा क्या छुपा के रखा था बिनय ने उस बार में जो तुम्हें देखते ही भगा दिया? मैंने कुछ ही दिन पहले बिनय को उसके बिजनेस पार्टनर से फोन पे झगड़ते हुए सुना था। अच्छे लगा कि उसका पार्टनर उससे पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कह रहा है। एक मिनट, या कुछ तो गड़बड़ है। रीना, अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें पार्टनर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं और अभी बोल रही हो कि तुमने बिनय को पार्टनर के साथ बहुत बार बातें करते हुए सुना है, ये कैसे? मुझे कुछ भी मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि बिनय उससे बहुत बातें किया करते थे। तो इसका मतलब है जरूर तुम उस पार्टनर के बारे में जानती हो। वो पार्टनर है कौन? कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, तुमने कभी उनका आपस में झगड़ा होते हुए सुना है? सुना था, बिनय के पार्टनर बिनय से उनकी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कह रहे थे। बिनय अपने पार्टनर के साथ बहुत बातें करता था, क्या बातें करता था ये इसे मालूम है, लेकिन पार्टनर कौन है ये इसे मालूम नहीं। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। दो लोग हैं जो बिनय का खून कर सकते हैं। एक है उसकी पत्नी रीना, जिसका कैलाश के साथ चक्कर चल रहा है, और दूसरा है कैलाश। दया, इस कैलाश को तुम काफी दिनों से जानते हो ना? हाँ सर, पर मुझे नहीं लगता कि कैलाश ऐसा कुछ कर सकता है। सर, प्यार का चक्कर दया, प्यार का चक्कर। और सर, तीसरा आदमी वो भी तो है, बिनय का पार्टनर, जिसका कोई आता पता नहीं है। क्या मतलब? सर, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि रीना को भी बिनय के पार्टनर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिनय ने अपनी वाइफ को उसके बारे में कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि सर, वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर जरूर कोई बड़ा गलत काम करता होगा। वाह फ्रेडरिक्स, आज क्या खा कर रहे हो तुम? बड़े जोर से दिमाग चल रहा है तुम्हारा। सर, मैं तो कहता हूं बिनय के पार्टनर ने ही बिनय का खून किया है। सर, आज तो आपके पैर छूके ही रहूंगा सर। अरे यार, 2 मिनट तो बात कर लेने दे, फिर तू खींच लेना मेरे पैरों को। सर, रीना ने बिनय को फोन पे अपने पार्टनर के साथ झगड़ते हुए भी तो सुना था। विवेक सर, इस बिनय के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। वो जरूर हर रोज अपने पार्टनर के साथ फोन पर बात करता होगा। उसी से हमें उस पार्टनर का नंबर मिल सकता है। यस सर। और सर, हम वहां बाहर में चल के देखते हैं कि वहां आखिर चल क्या रहा है। कम हो रहा है क्या? नहीं सर, शाम से बैठे हुए हैं, ऐसे कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही है। लोग आ जा रहे हैं बस। तो लगता है आज पार्टी जरा देर से हो गया। कुछ हो तो रहा है। ये लोग तो बाउंसर से बात कर रहे हैं सर। लगता है उस बाउंसर के पास कोई नाम की लिस्ट होगी और नाम देखकर ही अंदर छोड़ता होगा। नहीं सर, वैसे बाउंसर के पास कोई पेपर वेपर तो दिख नहीं रहा है। आज का पासवर्ड क्या है? तरबूज। देखा तुमने, ये लोग भी तो वैसे ही अंदर गए, बाउंसर के कान में कुछ फुसफुस करके। अभी जी देखा,
इन लोगों को तो ऐसे भगा दिया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं पूछ के आता हूँ सर। एक्सक्यूज मी, आप वापस आ रहे हैं? अंदर नहीं जाने दिया क्या? हाँ, आप ले जा सकते हैं हमको अंदर। क्या, मैं तो खुद ही बाहर लटका हुआ हूँ। आपसे भी फल का नाम पूछा? हाँ, क्या आप पागल लोग हैं? अंदर जाने के लिए पैसे चाहिए ना? पैसे हैं बहुत मेरे पास। पैसे नहीं चाहिए, फल का नाम चाहिए, आज का फ्रूट। फल का नाम? हाँ। आपको मालूम है ना आज का? नहीं, हमको मालूम होता तो हम अंदर ना होते। अब क्या करूं, किससे पूछूं? ये फल के नाम के पीछे क्यों पड़ गए ये लोग? पूछने लगा आज का फल क्या है। तो आजकल तो मार्केट में लंगड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने कहा लंगड़ा। लीची का नाम बोल दिया तो हंसने लगा। थैंक यू, कोई बात नहीं। ओके ओके, बाय। ओके। फल का नाम? फल का नाम? अंदर जाने का कोई पासवर्ड है? ये लोग पूछ रहे हैं आज का फल कौन सा है, जिसको मालूम है उसको अंदर भेज रहे हैं, नहीं तो वापस। फल गड़बड़ है सर, कुछ गड़बड़ है, जल्दी से इनका पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा। सर मुझे तो एप्पल पसंद है, पहले वो पूछ के देखे। फ्रेडरिक्स जरा दो मिनट चुप बैठो, सोचने दो मुझे, तुम्हारे एप्पल का हम बाद में देखते हैं। देखी है, इसकी बोली शुरू करते हैं। आज की बोली शुरू होती है 2 लाख से। लगाइए बोली। 2,15,000। 2,15,000। 2,20,000। 2,20,000। 3 लाख। 3,25,000। यहाँ तो नीलामी चल रही, बहुत पैसा लुटाया जा रहा है। 3.5 लाख। सर ये सारा हमारा इलीगल है, नहीं तो बाहर पासवर्ड नहीं मांगते। हमारी टीम को अंदर बुला लो, यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाए, सबको गिरफ्तार करना है मुझे। 4,50,000। दे आर रेडी। ओके ओके, आ जा। 4,70,000। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख 1। 5 लाख 2। 1 मिनट, एक मुझे भी बोली लगानी है। कितने की? तुम सबको गिरफ्तार करने की। कोई यहां से नहीं भागेगा, कोई भी नहीं, पकड़ लो। भागना चाहती हो? कुछ मिला है? यस सर, बहुत सारी मूर्तियां हैं सर, और काफी पुरानी है सर। अच्छा, कहां पर थी? बार के पीछे वाले कमरे में से सर। सर वहां पे और भी बहुत सारी मूर्तियां थी, हम जितनी ला सके उतनी ले आए। बेवकूफ लोग है सर, बार में दारू की बोतल होनी चाहिए, ना कि ये मूर्तियां। खास नहीं है, काफी सस्ती लगती है ना दया? ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत महंगी है। महंगी है? कितने की होगी? 3,000 रुपए। 3,000 में 2 जीरो और लगा दीजिए सर। तुम्हारा मतलब है 3 लाख? हाँ सर, उससे भी ज्यादा की है। अगर ये उससे भी महंगी है तो फिर ये किसी म्यूजियम में होनी चाहिए थी। आप लोगों के पास कहाँ से आई? मालूम नहीं सर, बिनोय सर को पता कहाँ से मिली है। बिनोय सर? अच्छा, ये बिनोय सर तुम्हारे बॉस थे ना? जी सर। अच्छा, ये तुम्हारे बिनोय सर का कोई पार्टनर भी था ना? जी। कौन है वो? हमें नहीं मालूम सर, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा उन्हें। बिनोय सर ही उनसे फोन पर बातें किया करते थे, दिन में कम से कम 5 बार। विवेक, तुम्हारे पास बिनोय का फोन रिकॉर्ड है ना? यस सर। चेक करके देखो, एक दिन में 5 बार से ज्यादा किन नंबर्स पे बात की गई है। सर ये नंबर एक लैंडलाइन का नंबर है सर, और इस नंबर पे उसने काफी बार बात की है। चेक करो, हो सकता है ये बिनोय के पार्टनर का नंबर हो। जल्दी। यस सर। सर ये तो किसी दुकान का नंबर है सर, एंटीक्स एंड मोर। एक्सक्यूज मी। या हम लोग सीआरडी से हैं, यहाँ ओनर कौन है?
इनमें से कोई है क्या? जी हाँ, एक मिनट। इसे जरा ध्यान से साफ करना। सर, सीआईडी से आया। यस सर, कैन आई हेल्प यू? देखिए, आपकी मदद चाहिए इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप मिस्टर बिनोय को जानते हैं? बिनोय? हाँ, बिनोय जरूर जानते होंगे। हाँ, उन्होंने काफी बार फोन किया है यहाँ पर। देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी बिनोय नाम के आदमी को जानता हूँ। मानसी, तुम किसी बिनोय नाम के आदमी को जानती हो? शायद हमारा कस्टमर हो। सर, हमारा? अगर आप कहें तो मैं आपको रजिस्टर ला के दिखा सकती हूँ। दिखाइए प्लीज। जी। बहुत ही खूबसूरत है। एंटीक पीस है सर, 15th सेंचुरी का है। 500 साल पुराना, काफी महंगा होगा। हाँ, तकरीबन 9-10 लाख रुपए का है। 10 लाख? कमाल है, नकली चीज के इतने पैसे? क्या कह रहे हैं आप, ये नकली है? हाँ बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए, जो असली है वो हमारे ऑफिस में है। मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ये मुझे पहले कैसे नहीं पता चला? आपके स्टोर में कोई आदमी है जो बिनॉय के साथ मिला हुआ है, जो यहाँ के एंटिक पीसेस बिनॉय को देता है और वो एक जगह पे छुपके से नीलाम कर देता है और ऐसे नकली सामान को यहाँ पे फिर से ला के रखता है। सब, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सब, मैं किसी बिनॉय को नहीं जानता। और आप मानसी, आप भी बिनॉय को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती कि बिनॉय कौन है। नहीं जानती? मैं बिनॉय के लिए काम करती थी। यहाँ से असली एंटिक्स चुरा कर उन्हें नीलाम करती थी? नहीं सर, मैं बस बिनॉय के लिए काम करती थी। मानसी, तुमने बताया नहीं कि तुम बिनॉय की पार्टनर बनी कैसे? सब मैं उसके लिए बस काम करती थी और वो इसके लिए मुझे पैसे देता था। उसके पार्टनर के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर, मालूम नहीं, पर कोई है जरूर सर। और आखिरी बार तुम उसे कब मिली? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? सब, मैंने उसे कुछ सामान दिया था यहाँ से चुरा के। 2 दिन पहले तुम बिनॉय से मिली और 2 दिन पहले ही बिनॉय का खून हो गया, समझी? क्या हुआ जब तुम उसे मिली? कहीं उसके खून में तुम्हारा भी हाथ तो नहीं है? नहीं सर, सर जब तक मैं उससे मिली तब तक तो वो बिल्कुल ठीक था सर। और कौन था वहाँ पे? सर नहीं, बस एक फोन आया था। फोन आया था? हाँ सर, फोन आया, फिर उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। उसने फोन पर क्या बात की, कुछ याद है तुम्हें? सर वो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। किसके साथ बात कर रहा था वो? मुझे कुछ नहीं पता। शायद वो अपने पार्टनर से ही बात कर रहा होगा। बिनॉय ने अपने पार्टनर को मारने का सोचा और पार्टनर ने बिनॉय को ऊपर भेज दिया। सर, समझ में नहीं आ रहा कि इस बिनॉय का पार्टनर आखिर है कौन। सर, बिनॉय का पार्टनर पार्टनरशिप तोड़ने वाला था। पार्टनरशिप तोड़ने वाला था? मगर सर, हमने इसके बैंक के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, यहाँ तक कि इसके मोबाइल फोन के सारे रिकॉर्ड चेक कर मारे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि आदमी कौन है। अगर इसका पार्टनर जिंदा है तो कोई तो सबूत मिलना चाहिए कि हाँ भाई कोई आदमी है। तो क्या पार्टनर मर गया? पता नहीं सर, जिंदा है कि मर गया कि जमीन के अंदर जाके छुप गया है। सोच रहा है कि सीआईडी वाले जब थक के बैठ जाएंगे तो बाहर निकलूंगा। और सर, वहाँ उस दिन छत पे कुछ लोग थे, मैंने आवाज़ें सुनी थी, शायद बिनॉय का पार्टनर ही होगा। वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, आपस में झगड़ा हो गया होगा और उसने बिनॉय को छत से नीचे फेंक दिया। कोई सबूत नहीं है इस बात का, बस टेरेस पे कोई नहीं था। ये लो आ गए। अरे मैं अपने आप थोड़ी आया हूँ, तुमने बुलाया मुझे। हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया। लावण्या, वो टूटा हुआ सेलफोन ला। अरे टूटे हुए सेलफोन का मैं क्या करूँगा? पूजा करो। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो तो यार। देखो सारंखे, इस टूटे हुए सेलफोन को जोड़ने की कोशिश करो और इसके फोन मेमोरी में और सेल मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है निकालने की कोशिश करो। हमें इस बिनॉय के पार्टनर को ढूंढना है, खून उसी ने किया है। बस बस नहीं, ये सेलफोन बिनॉय के पॉकेट में था,
इसका मतलब है इसका कुछ तो काम होगा, कोई तो फोन आया होगा। कैसे मालूम? नहीं मतलब शक क्यों हो रहा है? दया ने कुछ आवाजें सुनी थी। आवाजें? हाँ आवाजें। तो मोबाइल का आवाज से क्या मतलब यार सारुंखे? एक मिनट, आवाज आवाज फोन आवाज। हाँ, I got it. आपका मतलब ये तो नहीं है कि? करेक्ट, वही समझे? अरे मैं समझ गया। ऐसे भाग के गए हैं जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। बात तो वैसे ही अभिजीत, चलो अब जाकर फिर से उस बिल्डिंग को चेक करते हैं, देखते क्या हुआ होगा वहां पर। दया जरा ध्यान से सोच के बताओ, जब बिनोय की बॉडी नीचे गिर रही थी तब तुम लोग कहां पर खड़े थे? सर मैं तो मैं यहाँ खड़ा था और कैलाश मेरे सामने खड़ा था सर, यहाँ खड़ी चले यहाँ ना इस तरफ हाँ हम लोग ऐसे थे और रीना मेरे पीछे की तरफ खड़ी थी सर इस तरफ। लावण्या, और जैसे हम लोग यहाँ से जाने लगे सर तभी बिनोय की किसी के साथ झगड़ा होने की आवाज़ आने लगी। हमने यहाँ वहाँ देखा और जैसे हमने ऊपर देखा बिनोय की लाश पीछे गिरी ऊपर से। कहाँ पर सर? यहाँ पर। यहाँ? विवेक सर, डॉक्टर सालुंके का फोन था। रो रहा था? हाँ सर, वो जो टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े मिले थे सर, उन्हें उनमें से कुछ मिला है। एक स्पीकर ही तो मिला है ना? हाँ सर, लेकिन ये आपको कैसे मालूम था? वो तो मुझे पहले से ही पता था विवेक। तुम्हें याद है जब डॉक्टर सालुंके ने हमें विनोय के बॉडी की कमर पर एक निशान दिखाया था? यहाँ पर वो रस्सी का निशान था, रस्सी का। इसका मतलब है विनोय को पहले मारा गया और फिर उसे कमर में रस्सी बांधकर ऊपर रखा गया, और जैसे ही दया तुमने ऊपर देखा विनोय की लाश को नीचे फेंक दिया गया। और सर वो लड़ाई झगड़े की आवाज है? वो लड़ाई झगड़े की आवाज है, वो विनोय के पॉकेट में जो सेल फोन था उसके स्पीकर में से आ रही थी। सर इसका मतलब है कि कोई चाहता था दया सब विनोय की मौत के गवाह बने। एग्जैक्टली, और वो कौन हो सकता है? वो वही है जो उस वक्त दया के साथ खड़ा था, रीना और कैलाश। दया कुछ पता चला क्या, किसने मारा बिनोय को? कुछ खूनी कौन है? देखो कैलाश, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, समझे? मेरी वजह से क्या हो गया? इसी हिसाब को लगता है कि बिनोय को तुम दोनों में से किसी एक ने मारा है। हाँ? हमने? ये तुम क्या कह रहे हो दया? उनको ये क्यों नहीं बता देते कि जिस वक्त बिनोय का खून हुआ तुम वहां मौजूद थे? और अब? हाँ दया सही तो कह रही है, ये तुम तो वहां थे ना दया? हाँ कैला, मैं वहां था, मैंने सब कुछ देखा भी था। हाँ मगर एसीपी साहब को कौन समझाएगा? हाँ उन्हें लगता है कि मैं अपनी दोस्ती की वजह से ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि तुम दोनों में से किसी एक ने यह खून किया है। वो तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। क्या? देखो दया, तुम तो एक सीआईडी ऑफिसर हो, किसी बेगुनाह से ऐसा होते हुए तुम कैसे देख सकते हो? You have to stop him. तुम्हें उन्हें रोकना होगा दया। हाँ मैं रोक सकता हूँ उन्हें, मगर उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं फंसा हूँ। हाँ कैसी कीमत? मेरा कहने का मतलब है कि मेरे काम की कीमत मिलनी चाहिए। तुम दोनों के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं मैं साबित कर दूंगा कि सब झूठ है। हा? तुम हम लोगों से पैसे मांग रहे हो दया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सुना इसने क्या कहा? ये हम लोगों से पैसे मांग रहा है। दया दया प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? कैलाश हर चीज की कीमत होती है। हा? इतना काफी है दया, ये और लाओ। कैलाश तुम्हें रीना से सीखना चाहिए, देखो कितनी समझदार है। हा? बिल्कुल सही कहा तुमने दया, ये समझदार भी है और बड़ी चालाक भी।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया रीना। रीना तुमने खून किया बिनोय का। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें रीना, क्या खेल खेला है तुमने। वाह। मैंने कोई खेल नहीं खेला, तुम लोगों ने फंसा दिया है मुझे। अच्छा, तो हम लोगों ने फंसाया तुम्हें। मैं ही बिनोय की बिजनेस पार्टनर हूँ, उसे पता नहीं क्या हो गया था तो ये बिजनेस बंद करना चाहता था। इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे बिनोय को मारना पड़ेगा। मगर तुमने कैलाश की दोस्ती का फायदा क्यों उठाया? क्योंकि ये बहुत ही नरम दिल का इंसान है। मैंने इसके सामने एक अबला नारी होने का ड्रामा किया जिसका पति उसे रोज पीटता था ताकि मेरा साथ दे। मुझे ये भी मालूम था कि सीआईडी ऑफिसर दया का दोस्त है। मुझे लगा अगर ये खून एक सीआईडी ऑफिसर के सामने हुआ तो कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। और उस दिन जब कैलाश ने मुझे फोन करके पास वाली बिल्डिंग में बुलाया था। रीना, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और कैलाश के बीच? कहीं तुम उस कैलाश के लिए मुझे छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं बिनोय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ी, बल्कि मैं उस कैलाश से हर रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आज तक धोखा देती रही। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने बिनोय को अपने साथ आने के लिए जैसे तैसे मनाया और उसे बिल्डिंग तक चलने को कहा। तो तुमने वो रस्सी निकाली थी जब मैं और कैलाश वहां ऊपर छत पे गए थे? हाँ, मैंने उसकी कमर से रस्सी निकाली थी ताकि किसी को सबूत ना मिले। रीना, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुम्हारा दोस्त बने या तुम्हें कोई हमदर्दी दिखाए। अब जेल में बैठकर पार्टनरशिप बनाना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.